So whenever a body of mass m accelerates at a rate a, it experiences a pseudo force due to its inertia. Magnitude of pseudo force is ma. It acts in the direction opposite to acceleration. It acts at the center of mass. Ne? और मैं ये फिगर इसलिए बनाया था, देखो कोई चीज अगर गिर रहा है, मान लो कोई वेइंग मशीन के ऊपर कोई 10 केजी की ब्लॉक रख के वेइंग मशीन और ब्लॉक दोनों को छोड़ दोगे जब दोनों गिर रहे हैं, व्हाट इज द रीडिंग इन द मशीन? जीरो। कोई वेट फीलिंग नहीं होगा क्योंकि वो जो ब्लॉक है वो कितना एक्सीलरेशन में गिर रहा है? जी। तो उसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स आएगा वो कितना होगा? एम जी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उसका वेट है एम जी। वेइंग मशीन एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है आर। सोचो तो ये कोई एक वेइंग मशीन है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक को रख के हम गिरा दिए, ब्लॉक का मास एम है, रीडिंग क्या आएगा? हम जानते हैं कि एक बार हम स्यूडो फोर्स को अपना फ्री डायग्राम में अकाउंट में ले लेते हैं, मतलब फ्री डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम सारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई ऑल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी ये ब्लॉक ऑफ मास एम मान लो वेइंग मशीन पे रखा हुआ है और गिर रहा है। चलिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ब्लॉक का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है ए, तो स्यूडो फोर्स आएगा एम ए, और उसका वेट है एम जी, और क्या है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। पहले भी हम लोग डिस्कशन किए थे रीडिंग इन द मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मशीन एंड द ब्लॉक, है कि नहीं? ये जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वही रीडिंग है। अब ए कितना है, ये अगर फ्री फॉल कर रहा है तो ए का वैल्यू जी है, तो सोचो एम ए का वैल्यू क्या हो गया? एम जी। ऊपर की तरफ क्या फोर्स है? आर एंड एम जी। नीचे की तरफ क्या है? एम जी। तो आर प्लस एम जी इज इक्वल टू एम जी, तो आर का वैल्यू क्या हो गया? जीरो, मतलब रीडिंग होगा जीरो। एवरीथिंग अंडर फ्री फॉल फील्स वेटलेस, नहीं? अगर हम कहेंगे ये बड़ा सा एक ब्लॉक है, ये बड़ा सा एक ब्लॉक है, इसको अगर एक थ्रेड पतला सा थ्रेड बांध के उठाएंगे तो ये क्या होगा? मान लो कि ये थ्रेड पकड़ के इसको उठाएंगे तो थ्रेड टूट जाएगा, लेकिन सोचो ये थ्रेड पकड़ के थ्रेड के साथ ब्लॉक को अगर छोड़ दिया गया, जब वो गिर रहा होगा थ्रेड टूटेगा क्या? ब्लॉक का क्या वेट हो गया? जीरो। नहीं, अब वो मेला वगैरह में वो झूला में झूलते हो तो आप लोग देखे होंगे जो बड़ा वाला झूला होता है ऐसे ऐसे वर्टिकल सर्किल में घूमता है, नहीं? कहां पर आपको ज्यादा चिल्लाना होता है बताओ, ऊपर जाते वक्त कि नीचे आते वक्त? नीचे आते वक्त। क्यों? क्योंकि सडनली यू फील कि मेरा तो वेट गया, मैं वेटलेस हो गया। वेटलेस होने से क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली अपना वेट को फील कर रहे हैं, हेवी लग रहा है तो जमीन पे खड़े, सडनली लगेगा कि मैं वेटलेस हो गया तो डर लगता है, चिल्लाने लगते हैं लोग। चढ़ते वक्त वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ना सबका हो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन सडनली वेट लॉस हो गया तो लगता है कि हम डर जाते हैं, नहीं? हाँ, तो ये बताना चाहते थे एवरीथिंग अंडर फ्री फॉल फील वेटलेस। कोई भी चीज अगर मूव करेगा कैसे? विथ एन एक्सीलरेशन जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? जीरो। उसको लगेगा कि उसका वेट जीरो है, लेकिन उसका वेट जीरो नहीं होता है, मास एम है तो ग्रेविटी खींच ही रहा है, वेट एम जी है, पर लगेगा उसको कि मेरा वेट जीरो हो गया। कब? ध्यान रहे, जब उसका एक्सीलरेशन है जी, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड में। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा अगर बढ़िया से समझ में आया तो बताओ। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई वेइंग मशीन पे हम खड़े थे और कोई दूसरा मशीन के सहारे ये पूरा मैन और मशीन वाला अरेंजमेंट को ऊपर फेंक दिया गया विद सम वेलोसिटी यू जीरो। ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर भी गया नीचे भी आया और फिर से धड़ाम करके गिरा। ऊपर जाते वक्त रीडिंग ज्यादा दिखेगा मशीन में कि नीचे आते वक्त? ऊपर जाते वक्त ज्यादा दिखेगा। जब मशीन ऊपर जा रहा था रीडिंग ज्यादा आएगा कि नीचे आते वक्त? ऊपर जाते वक्त। नहीं, सोचो ऊपर जाते वक्त उसका एक्सीलरेशन क्या था? जी। नीचे आते वक्त एक्सीलरेशन क्या था? जी। तो दोनों ही केस में जब वो ऊपर जा रहा था उसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, है कि नहीं? तो रीडिंग होगा जीरो। ऊपर जाते वक्त भी जीरो, नीचे आते वक्त भी जीरो। समझ में आ रहा है क्या? When the man and machine arrangement is thrown vertically up, it goes up and comes down. During upward motion also reading will be zero. In downward motion also reading will be zero. Because in either case, the acceleration is g downward. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सोचो,
सोचो कि यहाँ पर क्या हुआ, मैं एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूँ और उसके नीचे व्हील्स लगा है, स्केटिंग वाला वेइंग मशीन, और मैं काफी स्पीड में आया और यहाँ से इसमें एक रैंप था, यहाँ से जंप किया ऐसे करके, सपोज आई जंप फ्रॉम हियर, अब मैं हवा में उड़ते हुए जा रहा हूँ, आके उतरूंगा कहाँ, मान लो यहाँ उतरूंगा। अब ड्यूरिंग दिस फ्लाइट ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, नहीं यहाँ पर कोई ऐसे रैंप था चढ़ के गया उड़ा फिर और इधर से हवा में जब उड़ते हुए आ रहा था, हाउ वॉज माई मोशन वॉज लुकिंग समथिंग लाइक दिस है कि नहीं, इट वॉज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ड्यूरिंग दिस मोशन रीडिंग इन द मशीन क्या होगा, क्या था एक्सीलरेशन, जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब भी एक्सीलरेशन होता है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम उसको फ्री फॉल कहते हैं, फ्री फॉल का मतलब नहीं कि सीधा गिर रहा है, समझ में आ रहा है क्या, जब भी उसका एक्सीलरेशन जी होगा हम कहेंगे ये फ्री फॉल है, उसका रीडिंग क्या हो जाएगा जीरो, मतलब अगर ये मेन एंड मशीन अरेंजमेंट को हम प्रोजेक्टाइल पाथ में फेंक देते हैं, हवा में उड़ते हुए जाएगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन यू विल सी द रीडिंग इन द मशीन इज जीरो, क्या बात समझ में आ रहा है, छोटे छोटे चीज समझ में आना चाहिए आपको, क्या है कि व्हेनेवर ए बॉडी इज अंडर फ्री फॉल इट फील्स वेटलेस, इसलिए तो बंदर खा रहा है, देखा मेरा वेट लूज कर गया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, कभी जिम नहीं किया, मेरा वेट लूज कर गया, देखो वेट जीरो हो गया, बंदर कितना खुश हो रहा है, देखो आई एम वेटलेस बोल रहा नहीं, तो चलो आज हम इसके ऊपर कुछ निरीक्षण करते हैं, लेट अस सी, ए थ्रेड कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 26 न्यूटन, फाइंड what can be find with what maximum acceleration it can lift a block of mass 2 kg in vertically upward direction, kitna maximum acceleration mein ye block ko 2 kg ka block ko thread utha payega, basic concept ko bar bar repeat nahi karunga, ek bar bol raha hu dhyan rakho, jab bhi koi body accelerated motion mein hai uske upar kya kya force aa raha hai janne ke liye हम हमारा कन्वेंशनल सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सीलरेशन कर रहा है, एक्सीलरेशन नहीं होता तो कर लेते, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि उसके फ्री बॉडी डायग्राम में उसके ऊपर जितने फोर्स आ रहा है उसके साथ साथ हमें इनर्शिया फोर्स और स्यूडो फोर्स को दिखाना है, वो क्या है एम ए किस डिरेक्शन में अपोजिट टू एक्सीलरेशन कहाँ पे आता है एट द सेंटर ऑफ मास, दिखाने के बाद आप सारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हो। Now go back to this question. ये थ्रेड है जो मैक्सिमम कितना स्टैंड कर सकता है टेंशन 26 न्यूटन, 26 न्यूटन का टेंशन को स्टैंड कर सकता है, पूछा है बताओ विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन यू कैन लिफ्ट ए ब्लॉक यूजिंग दिस थ्रेड, ये थ्रेड को यूज करके कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में 2 केजी मास को उठा सकते हो, जब 2 केजी मास को उठाने लगोगे ध्यान रखना है कि आपका टेंशन कितना होना चाहिए मैक्सिमम 26, उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में उठाओगे तो थ्रेड टूट जाएगा जबकि वेट तो इसका 20 न्यूटन है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें दिखाना है टेंशन और क्या है उसका वेट 2g और 20 न्यूटन, और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा 2a। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन और वेट जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके साथ साथ हम इनर्शिया फोर्स को दिखा चुके हैं, वी कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप क्या कहोगे 8 इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मींस टेंशन अपवर्ड है दैट मस्ट बी इक्वल टू 2g प्लस 2a, टेंशन दिया है 26 न्यूटन, जी का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, एक्सीलरेशन पता करना था और मिल गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैक्सिमम इतना एक्सीलरेशन में ले सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन उठाने की कोशिश करेंगे तो पता चला कि थ्रेड टूट जाएगा, क्या बात समझ में आ रहा है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी जल्दी, A man is standing on a weighing machine inside a lift. When lift moves off with some acceleration, reading in machine is 600 Newton. When lift comes down with same acceleration, reading is 400 Newton. What is actual weight of man? हाँ, तो हम अगर करेंगे इसमें ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं, अब इसको डायरेक्टली करना है तो फटाफट करते हैं। देखो ये है वो आदमी, वो किसी एक weighing machine पे खड़ा है, जो रीडिंग आ रहा होगा वो दैट इज व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, पहले भी बता चुके हैं रीडिंग इन द मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन, और
ये आदमी का मास कितना है मालूम नहीं, वेट तो होगा नीचे की तरफ। बोल रहा है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ एक्सीलरेशन ए में, तो वो रीडिंग कितना है, रीडिंग इज गिवन हाउ मच मूविंग अप, रीडिंग इज 600 न्यूटन। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम में, मुझे इसकी एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को भी तो दिखाना चाहिए। स्यूडो फोर्स को दिखाओ, स्यूडो फोर्स को दिखाओगे तो स्यूडो फोर्स कहां पे होगा, अपोजिट टू एक्सीलरेशन मतलब डाउनवर्ड होगा, द स्यूडो फोर्स विल बी डाउनवर्ड, कितना होगा एम ए। तो अब इस इक्वेशन को देखो तो क्या मिल रहा है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर सकते हैं। क्यों ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी अभी एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो क्या हुआ, हम तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं, वंस वी हैव शोन द स्यूडो फोर्स यू कैन से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। अब आर का वैल्यू कितना दिया है 600 न्यूटन, इससे पता चला एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू 600 न्यूटन। बढ़िया, बोला है कि जब लिफ्ट नीचे आ रहा है सेम एक्सीलरेशन में, नाउ द लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद सेम एक्सीलरेशन, तो अब भी उसके ऊपर उसका वेट तो आ रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द मशीन आ रहा है और एक स्यूडो फोर्स आ रहा है एम ए। नहीं, अब आप क्या कहोगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो क्या देगा आपको, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो देगा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, दैट मींस आर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। बोला ए एक्सीलरेशन में ऊपर की तरफ गया तो रीडिंग हुआ 600 न्यूटन, सेम एक्सीलरेशन में नीचे की तरफ गया तो रीडिंग कितना हुआ, रीडिंग हुआ 400 न्यूटन। यहां पर किसका वैल्यू 400 है, आर का वैल्यू 400 है, आर इज द रीडिंग, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 400, मतलब एम ए को इधर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू 400 न्यूटन दिया हुआ है। पूछा है बताओ व्हाट इज द एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट तो एम जी है, कैसे पता करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एम एम ए कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्विंग 2mg इज इक्वल टू मिल जाएगा 1000 न्यूटन और mg कितना है 500 न्यूटन, एक्चुअल वेट है 500 न्यूटन। हाँ 50 kg, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, यस सर, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड विथ व्हाट एक्सीलरेशन मंकी शुड क्लाइंब द रोप सो दैट द ब्लॉक रिमेंस एट रेस्ट। यहाँ पर 5 kg का मंकी है, इधर 6 kg का ब्लॉक है, ऑब्वियसली इसका वेट ज्यादा है तो ये खींचेगा नीचे, ये चढ़ेगा ऊपर। बोला कि मंकी को कुछ मैजिक करना है और ये ब्लॉक जहां था वहीं लटका रहेगा, अगर किसी तरह से मंकी अपना वेट बढ़ा लेगा तो वेट बढ़ाने के लिए जाके उसको खा पी के आना पड़ेगा, नहीं उसको एक्सीलरेटेड मोशन में जाना है। कोई चीज अगर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करता है तो उसका वेट क्या हो जाता है, एम जी प्लस एम ए। नहीं, तो मंकी कितना एक्सीलरेशन में जाना चाहिए ऊपर की तरफ, विथ व्हाट एक्सीलरेशन द मंकी शुड क्लाइंब द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। अच्छा आप जान लो पहले, फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में रहने के लिए ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर कोई थ्रेड है जो टेंशन टी दे रहा है और एक वेट है 6g, टी कितना होना चाहिए 60 न्यूटन। ब्लॉक रेस्ट में कब रहेगा, जब टेंशन होगा 60 न्यूटन। और अब बताओ इधर 6 kg का ब्लॉक है, इधर 5 kg का मंकी है, किधर टेंशन ज्यादा होगा, 5 kg की तरफ कि 6 kg की तरफ, सेम टेंशन इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड इज सेम एट एवरी पॉइंट। इधर अगर टी हुआ तो इधर भी टी हुआ, कोई एक कंटिन्यूअस थ्रेड में पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स, टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, सारे चीज में बताया हूं क्लास में है कि नहीं। अब मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मंकी क्या निकालना है, निकालना ये है कि मंकी को कितना एक्सीलरेशन में जाना चाहिए। ई हो गया बंदर, जा रहा है ऊपर एक्सीलरेशन ए में, उसका वेट तो है ही, उसके साथ साथ क्योंकि ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो उसके स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा और बंदर के ऊपर आ रहा है टेंशन टी। ये टी कितना है, जितना इधर, इधर कितना है 60 न्यूटन क्योंकि ये रेस्ट में, नहीं टी का वैल्यू हो गया 60 न्यूटन। तो आप क्या कहोगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज
अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एम जी और 5g प्लस 5a टी हो गया है 60 न्यूटन और ये हो गया 5g मतलब 50 प्लस 5a क्या मिला a इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलेगा तो ब्लॉक अपनी जगह टिका रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? With what acceleration the monkey has to climb? The monkey has to climb with an acceleration 2 meter per second square. तो क्या होगा कि ये monkey का apparent weight बढ़ जाएगा, actual weight नहीं बढ़ रहा है, लेकिन weight बढ़ गया तो tension बढ़ जाएगा, है कि नहीं? क्या कभी आप ये feel नहीं कियो कोई रस्सी पकड़ के आप झूल रहे हो? ठीक है, अगर जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश की रस्सी टूट जाता है, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एम जी के अलावा एक एम ए भी आने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी एंट्रेंसेस में बहुत बार आया है और आप में से काफी लोग कर भी लिए होंगे। दिया है कि ए ब्लॉक ऑफ 4 kg वाज पुल्ड बाय ए रोप ऑफ मास 1 kg। ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, 4 kg का मास है और ये ब्लॉक को क्या हो रहा है, दिस ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय ए रोप जिसका मास है 4 kg, 4 kg का रोप इसको खींच रहा है, खींचेगा तो ये ब्लॉक जाएगा। क्यों खींच रहा है, कैसे खींच रहे हैं भाई? ये फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को खींच रहा है। तो आप रस्सी को खींच रहे हो 40 न्यूटन में, पूछा है रस्सी ब्लॉक को कितने में खींच रहा है? अरे हम जितने में खींचेंगे वो भी उतने में खींचेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेट अस थिंक, पहले हम कहेंगे कि व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, क्या ये सिस्टम चलेगा? हाँ, खींच रहे हैं तो चलेगा। कितना एक्सीलरेशन में? फोर्स बाय नेट मास। फोर्स कितना है? 40 न्यूटन का। कौन चल रहा है आपकी फोर्स के चलते, क्या ब्लॉक या रस्सी या दोनों? दोनों। 4 + 1 तो कितना हो गया? 8 m/s। The system moves with an acceleration of 8 m/s. Yes, ठीक है। System moves with an acceleration of 8 m/s. ठीक है। हम जानना ये चाहते हैं कि जो 4 kg का ब्लॉक है, इस 4 kg को ब्लॉक को रस्सी कितने जोर से खींच रहा है? अब ये 4 kg के ब्लॉक के ऊपर क्या-क्या फोर्स आ रहे हैं? एक तो उसका वेट आ रहा है और एक इसका रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आ रहा है और ये ब्लॉक इधर जा रहा है विद एक्सीलरेशन ए। हम सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा चुके हैं, क्या हम कंडीशन सब इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है। तो हमें शूडो फोर्स दिखाना चाहिए। अगर ये एक्सीलरेशन ए में जा रहा है तो शूडो फोर्स आ रहा होगा 4a, अपोजिट टू द एक्सीलरेशन। द शूडो फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे, अब मुझे टी का वैल्यू पता करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। अब हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स यू फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। और ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना था ये? 8 m/s। सो 4 × 8 इज 32 न्यूटन। बहुत सारा एंट्रांस में आ चुका है, मैं तो कम से कम 3-4 एंट्रांस में देखा हूँ, मेडिकल एंट्रांस में, जेई मेन में और उड़ीसा जेई में, बहुत सारे एंट्रांस में आया। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आया ना? अच्छा, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर शोन फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन सेट ए एंड बी। अब ये कोई एक फोर्स है, कितना फोर्स है मालूम नहीं है, खींच रहा है, सिस्टम चल रहा है, ए में कुछ टेंशन होगा, बी में कुछ टेंशन होगा, पूछा है ए का टेंशन बी का टेंशन का रेशियो बताओ। ठीक है, चलिए मालूम नहीं है क्या एक्सीलरेशन में जा रहा है। लेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कितना है? ए, ये मान के चलते हैं। अब ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का अपना वेट है, रिएक्शन फोर्स है, इधर खींचने वाली फोर्स को टी ए को टेंशन एट ए और ये ब्लॉक चले जा रहा है तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ रहा होगा, कितना? 2a। ये 2 kg का ब्लॉक है तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स यू टी एट ए इज नथिंग बट 2a। आया समझ में? इसका मतलब ये थ्रेड 2 kg को खींच रहा है विद ए फोर्स 2a। क्या बता सकते हो सेम थ्रेड 3 kg को कितने जोर से खींच रहा होगा?
भाई ये थ्रेड का टेंशन तो हर जगह बराबर है, टू को जितने जोर से खींचेगा थ्री को उतनी जोर से खींचेगा। मैं एक थ्रेड को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के खींचूंगा, वो थ्रेड मेरा कौन से हाथ को जोर से खींच रहा है, दोनों हाथ को बराबर खींच रहा है नहीं? तो हम कहेंगे अभी अगर 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, चलिए 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, ये हो गया 3 kg के मास। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में कि 3 kg का ऊपर कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं? एक तो हुआ टेंशन ड्यू टू दिस थ्रेड बी, एक तो हुआ ये थ्रेड भी तो खींच रहा होगा, जो थ्रेड इसको इधर खींच रहा है सेम थ्रेड इसको इधर को खींच रहा होगा, और उसका अपना वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, और चल रहा है ए में, तो हम शूडो फोर्स को कंसीडर करेंगे 3A। समझ में आया क्या? नाउ वी कैन से अगेन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या देगा आपको बताओ? उधर का फोर्स TB, इधर का फोर्स TA प्लस 3A, TA प्लस 3A, जबकि TA कितना था 2A, सो इट कम्स आउट टू बी 5A, मतलब TA बाय TB विल बी 2A बाय 5A, दैट इज 2/5। क्या बात समझ में आ रहा है? So the ratio of their acceleration, ratio of the tension set A and B is 2:5, ठीक है? बढ़िया से करो, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। Next question, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारा एंट्रेंसेस में और एग्जाम में आया दिया है कि रोप वॉज पुल्ड बाय टू फोर्सेस एज शोन, फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। कोई एक रस्सी है, इधर को 14 न्यूटन है, इधर को 10 न्यूटन है। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये मासलेस थ्रेड होता तो टेंशन वुड हैव बीन द स्मॉलर फोर्स, लेकिन ये रोप है, इसका अपना कोई मास है नहीं, कोई मास है, और पूछा है बताओ मिड पॉइंट में टेंशन कितना होगा। अगर ये कोई एक मासलेस थ्रेड होता तो टेंशन हर जगह बराबर होता, ये थ्रेड नहीं है, ध्यान रहे रोप है तो टेंशन अलग अलग होगा हर जगह पे। और कोई पूछ रहा है यहाँ पे मिड पॉइंट में क्या टेंशन होगा, चलो ऐसे बनाते, लेट एम इज मास ऑफ रोप, आप मेरे साथ साथ कहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आप एक्सीलरेशन कितना होगा बता सकते हो रोप का? उधर को खींच रहा है 14 न्यूटन, उल्टे तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन, नेट फोर्स होगा 14 माइनस 10 बाय मास, है ना? तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 4 बाय m मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m कितना है वो मालूम नहीं है, चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मिड पॉइंट में टेंशन पता करना है। और हम पहले भी बता चुके हैं टेंशन एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। अगर मुझे मिड पॉइंट में टेंशन पता करना है तो इसको यहां से काटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दूसरा सेक्शन इसको कितने जोर से खींच रहा है, चाहे आप ये वाला सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम करो या ये वाला सेक्शन का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये वाला सेक्शन का मैं कर रहा हूं तो यहां पर मैं दिखाऊंगा 10 न्यूटन जो है और यहां पर टेंशन। अच्छा इसका मास कितना है, ये पूरा रोप का अगर मास हम एम लिए हैं ये तो आधा है, तो मास कितना होगा एम बाई टू, मास इज एम बाई टू है कि नहीं? अच्छा ये बात है, मास m by 2 है, और ये जो रोप है वो अभी मूव कर रहा है किधर को, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, नहीं टुवर्ड्स राइट, बिकॉज 14 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी तो आएगा, कितना आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है m by 2, एक्सीलरेशन a डालो, क्या हो गया ये m by 2 इनटू a, समझ में आया क्या? अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को दिखा चुका हूं, आई कैन से सिग्मा, और यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ द रोप, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ रोप लिख देता हूं थोड़ा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ रोप, रस्सी का आधा हिस्सा का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आपको क्या देने वाला है, इधर का फोर्स है टी और इधर का फोर्स है 10 प्लस एम बाय 2 इंटू ए, दैट इज 10 प्लस एम बाय 2, ए का वैल्यू क्या था 4 बाय एम, अरे एम तो कैंसिल हो गया, क्या मिला, इट इज कमिंग आउट टू बी 12 न्यूटन, ध्यान रहे
जब भी आपको मिड पॉइंट में टेंशन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, आप कहोगे दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स बाय 2, 12 प्लस 10 प्लस 14 बाय 2 हो गया कितना 12। हाँ ऐसा ही करना है। अगर हम कहेंगे इधर को 20 न्यूटन फोर्स है, इधर को 40 न्यूटन फोर्स है, तो मिड पॉइंट में क्या टेंशन होगा 20 प्लस 40 बाय 2। ध्यान रहे मिड पॉइंट में, किसी दूसरे पॉइंट की बात तो अलग रहेगा। ठीक है ठीक है, मिड पॉइंट में टेंशन होगा 10 प्लस 14 बाय 2 5। नेक्स्ट, नाउ हियर इज द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन सेट ए एंड बी, ए और बी में टेंशन पूछ रहा है भैया, चलिए करें बहुत आसान है। बी का टेंशन पता करते हैं, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, ये 3 kg का ब्लॉक है ने? और इसकी अपना वेट है mg और 3g, और ऊपर की तरफ जो टेंशन है वही है tb, और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, a का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्यूडो फोर्स किधर को होगा, अरे ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन में तो स्यूडो फोर्स होगा नीचे की तरफ 3 into a ma। नाउ सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 विल गिव यू tb, tb कितना है, tb इज 3g प्लस 3a, a का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 36 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, a का वैल्यू दिया है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये टेंशन कितना बन गया 36 न्यूटन। a में भी टेंशन पता करना है, टेंशन एट a, तो चलो एक काम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, 2 kg का ब्लॉक देखिए ऐसा है 2 kg का ब्लॉक, क्या कोई बता सकता है हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 2 kg, एक्सटर्नल फोर्सेस कितने ठो है 2 kg के ऊपर, कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स है, जो जो के साथ कांटेक्ट में रहेगा वो देंगे फोर्स, और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स दैट इज वेट। 2 kg को ये जो थ्रेड है ए का, ये पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो ये हुआ TA, और ये थ्रेड है, ये थ्रेड 2 kg को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है, थ्रेड हरदम पुल ही करता है, थ्रेड कभी पुश नहीं करता है, और 2 kg का अपना वेट भी तो है, तो देयर आर 3 एक्सटर्नल फोर्सेस है कि नहीं, और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी तो आएगा, कितना 2a। क्या हम ये थ्री बॉडी डायग्राम से TA पता कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 गिव्स यू TA इज इक्वल टू ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 2g प्लस 2a प्लस TB, a तो है 2, 20 प्लस 4 24 और TB निकला है 36, तो कितना हो गया 60 न्यूटन, इट इज कमिंग आउट टू बी 60 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है, yes, sir. Yes, ये लिफ्ट थोड़ा काफी बड़ा हो गया तो मेरा आंसर सिकुड़ गया, तो ठीक है मैं इसको थोड़ा इधर पकड़ता हूँ, देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछो, इज इट अंडरस्टूड, यस। तो टेंशन एट ए इज 60 न्यूटन, एट बी इज 36 न्यूटन, क्या बात समझ में आ रहा है। अब तक मैं 7 क्वेश्चन कर चुका हूँ, क्या आप लोग भी ट्राई किए थे, कितने क्वेश्चन का आंसर सही आया था, 6 सही आया था, बहुत बढ़िया है, 5 सही आया था, इधर हाउ मेनी क्वेश्चन रवि, 5 तो क्या था सर, 5 सही था, और रश्मि का कितना सही था सर, सब किया था 11 सही हुआ, बाकी 6 ड्रॉ, 6 ये गलत देखा, नहीं अरे ये 7 क्वेश्चन में से बोलो, आउट ऑफ दिस 7 सर एक रॉन्ग था, एक गलत था, मतलब 6 सही था, बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे दिया फाइनल आंसर, आप लोग ट्राई नहीं किए होगे, नहीं जो लोग ट्राई किए हैं वो उनको समझ में बड़ा मजा आ रहा होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8, ए कार इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाप रे कितना ज्यादा एक्सीलरेशन में जा रहा है, बोला कि ये कार जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में, क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्वेश्चन पूछा है ये पेंडुलम इज सस्पेंडेड जिसका बॉब का मास है 4 kg, कितना मास है इसका 4 kg। अब सही है ये कार ऐसे एक्सीलरेट करेगा तो बॉब पीछे की तरफ टेढ़ा हो जाएगा। पूछा क्या है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, नहीं चलिए बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पेंडुलम बॉब। तो ये हो गया पेंडुलम का बॉब, हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, एक तो उसका वेट है 4g, और क्या, और ये थ्रेड अटैच्ड है तो भी खींच रहा होगा, थ्रेड ऑलवेज पुल्स। पूछा ये टी कितना है, क्या हम यहाँ पे सिग्मा एफ जीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, कार में बंधा हुआ है, कार भी चल रहा है। तो टू अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें स्यूडो फोर्स को दिखाना चाहिए, अगर कार जा रहा है एक्सीलरेशन ए में तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स ऐसे आ रहा होगा, कितना ये है एक्सीलरेशन कितना दिया है 30, ओ मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 30/4 करेक्शन, मेक इट 30/4 तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, मेक इट 30/4। तो अब ये 30/4 मतलब 15/2 हो गया, 7.5 हो गया, ठीक है। तो ये स्यूडो फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर, एम ए 4 into A, और ए कितना दिया है, हियर ए इज 30/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो मैं करेक्शन कर दिया, आप भी क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, एक्सीलरेशन है 30/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ मैं स्यूडो फोर्स को इनर्शिया फोर्स को दिखा चुका हूं, क्या मैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकता हूं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकता हूं का मतलब हुआ ये तीन फोर्स का रिजल्टेंट कितना है, जीरो। तीन फोर्स का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो 4a और 4g का जो रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू टी, तो टी कितना होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू रिजल्टेंट ऑफ 4a एंड 4g। हम लोग सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो करके कर सकते हैं, अननेसेसरी इट विल बी लेंथी। तो यहां पर टी कितना है इक्विलिब्रियम में, नहीं सर ये तो मूव कर रहा है, अरे हाँ मूव कर रहा है, स्यूडो फोर्स को दिखा दिए, स्यूडो फोर्स को दिखाने के बाद नेट फोर्स तो जीरो बन गया। अब हम क्या कहेंगे, हियर व्हाट इज टी, टी विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ 4a एंड 4g, 4a एंड 4g का रिजल्टेंट आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, a एंड b आर टू वेक्टर्स, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर, तो हम कहेंगे इट इज 4a का स्क्वायर 4g का स्क्वायर रूट ओवर 4a, 4a कितना होगा भाई, a अगर 30/4 है तो 4a होगा 30, 30 का स्क्वायर 4g, 40 का स्क्वायर रूट ओवर कितना होगा 50 न्यूटन्स, सो द टेंशन इन द थ्रेड इज 50 न्यूटन्स। क्या बात समझ में आया, यस सर, यस। हम यहां पे भी सिग्मा FY = 0 करके टी cos थीटा निकालते, टी sin थीटा निकालते, वहां से टी निकालते, थोड़ा लंबा हो जाता, ये दिखने में आपको आसान लग रहा है, yes. है कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन फिगर शोन फाइंड द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, दो ब्लॉक है 4 kg और 6 kg, इधर से 20 न्यूटन ढकेल रहा है, उधर से 10 न्यूटन ढकेल रहा है, बोला दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स बताओ, नहीं तो कैसे करें, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ये दोनों ब्लॉक मिलके चलेंगे और उनका एक्सीलरेशन कितना होगा, देखो इधर को 20 है इधर को 10 है, तो नेट फोर्स हो गया 20 - 10 और नेट मास हो गया 4 kg 6 kg दोनों मिलके 4 + 6 = 10, तो हो गया 1 m/s², मतलब ये सिस्टम अभी इधर जाने लगेगा 1 m/s² में, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो निकालना है दोनों के बीच में फोर्स, इस दोनों में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लो, चलो मैं ले लेता हूँ 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, ये है आपका 4 kg मास, 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ जो कि इधर को जा रहा है 1 m/s² में, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक 20 न्यूटन फोर्स दे रखे हैं, और क्या एक्सटर्नल फोर्स है, इसका वेट है, यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स होगा, और ये ब्लॉक 4 kg को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है,
सिक्स के जी ब्लॉक फोर के जी को पुश कर रहा होगा कि पुल कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा, क्योंकि निकल जाएगा, भाग जाएगा जोर से और जा नहीं पा रहा, इसके चलते मतलब वो पुश करके रोक के रखा है, वही फोर्स पूछा है। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम में हम शैडो फोर्स को नहीं दिखाए हैं, शैडो फोर्स दिखाने की कोशिश करते हैं। फोर ए, समझ में आया क्या? शैडो फोर्स इज अपोजिट टू एक्सीलरेशन, फोर ए। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर के जी क्या देगा? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो हम निकालना चाहते थे फोर्स, दैट फोर्स आर प्लस फोर ए मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन। ए का वैल्यू 1 है तो आर बन गया 20 माइनस 4 इज 16 न्यूटन, सो द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 16 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से तो नहीं जाया है? ठीक, सो ये 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, दोनों के बीच में फोर्स हो गया 16 न्यूटन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है, ये सबसे पहले किसी एक पुराना आईआईटी स्क्रीनिंग एग्जाम में आया, फिर उसके बाद चालू टाइप का बन गया, तो अब सारा एग्जाम में आने लगता है। आजकल तो स्कूल टीचर भी डालने लगे हैं, समझ में आया? तो क्या दिया है कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है किसी एक वेज के ऊपर। देखो ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि पूछा है कि इसको कितने एक्सीलरेशन में मूव करवाएंगे कि ये बैठा रहेगा, नहीं फिसलेगा। फर्स्ट यू फील द क्वेश्चन, अगर ये वेज को हम मूव नहीं करेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो ये फिसल जाएगा। लेकिन सोचो किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम कोई, मान लो कि ये पेन मेरे हाथ में रखा है, छोड़ देने से गिर जाता है, लेकिन इसमें रखने के साथ साथ अगर मैं हाथ को आगे की तरफ मूव करता हूं तो गिरता है क्या? नहीं गिरता है। तो व्हाई इट इज नॉट मूविंग? Because when it is moving with an acceleration a, तो आप देखोगे ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक शैडो फोर्स आने लगेगा, और वो शैडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? अपोजिट टू एक्सीलरेशन, ऐसा होगा नहीं? ये शैडो फोर्स, और उसके अलावा उसके ऊपर और क्या फोर्स होंगे? इसका वेट होगा mg, और क्या होंगे? एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। हाँ, ये भी समझ में आ रहा है। अब ये जो शैडो फोर्स है, ये शैडो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वैल्यू कितना है इसका? ma, ये mg है। पहले बताओ कि अगर मैं वेज को मूव नहीं करवाता तो ये ब्लॉक फिसल जाता नीचे की तरफ, क्यों? कौन खींच रहा है इसको नीचे की तरफ? Who is pulling? You say the component of mg in this direction is responsible for pulling it down, इसलिए तो फिसलने की कोशिश कर रहा था। अगर ये फोर्स mg, ये mg है, वेट mg है, क्या आपको याद है कि ये कंपोनेंट होता था mg sin थीटा? नहीं, अरे ये एंगल कितना है भाई? ये अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? mg cos 90 माइनस थीटा होता है mg sin थीटा। तो mg sin थीटा खींच के नीचे लेने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए ये फिसल रहा था। अगर हम वेज को पकड़ के रखते, ये ब्लॉक फिसलता क्या एक्सीलरेशन में? जी साइन थीटा में। लेकिन हुआ यूं है कि हम ये ब्लॉक को, वेज को ब्लॉक के साथ मूव कर रहे हैं एक्सीलरेशन ए में, उसके ऊपर शैडो फोर्स एमए आया। ये जो एमए फोर्स आया, क्या ये एमए फोर्स का भी कोई कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में? यस, होगा कंपोनेंट। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। एमए का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? एमए कॉस थीटा। अगर हम जोर से ढकेल के ले जाएंगे, हो सकता है कि ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये चढ़ते हुए आएगा और इधर से गिर जाएगा। क्या कभी ऐसे फील नहीं किया? अगर ये वेज को हम बहुत जोर से ढकेल के ले जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन में ले जाएंगे, ए एम ए इतना ज्यादा हो जाएगा कि ब्लॉक फिसलेगा क्या? ये चढ़ के उल्टा गिरेगा इधर, है कि नहीं? मतलब ये एम ए कॉस थीटा इज अपोजिट टू एम जी साइन थीटा, समझ में आना चाहिए। ये ब्लॉक बैठा रहेगा, नहीं फिसलेगा। फॉर नो फिसलिंग एम ए कॉस थीटा कितना होना चाहिए? एम जी साइन थीटा का बराबर होना चाहिए। अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से कम हो गया, ये धीरे 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 फिसलेगा। अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से ज्यादा हो गया, चढ़ने लगेगा, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां पर आपको ये थ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपरली करना है, और लिखना ये है कि फ्रॉम थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक
कहेंगे कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो वो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहाँ से एम तो कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू क्या आया, जी टान थीटा, मतलब अगर हम जी टान थीटा एक्सीलरेशन में लेंगे तो ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेडिकल एंट्रेंस वालों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वन कॉल्ड ए डिराइव्ड क्वेश्चन, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, डिराइव्ड फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चन के आंसर को तो इतना पॉपुलर हो गए कि आंसर को याद रखना पड़ता है। तो क्या हो गया, जी टान थीटा। क्या मैं ये सबको समझा पाया? यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ए ब्लॉक वॉज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट, इफ द लिफ्ट गोज डाउन विद एक्सीलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक इन 0.5 सेकंड। कोई लिफ्ट है और इसके फ्लोर पे कोई एक ब्लॉक रखा है और ये लिफ्ट नीचे जाने लगा कुछ एक्सीलरेशन में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 0.5 सेकंड में ब्लॉक कितना दूर जाएगा? वे फ्लोर के अंदर रखा है, मेरे पेन मेरे हाथ पे रखा है, अगर 0.5 सेकंड में मेरे हाथ गया 1 मीटर तो पेन भी जाएगा 1 मीटर। नहीं नहीं, सोचना है। व्हेन आई एम मूविंग माय हैंड डाउन विद एन एक्सीलरेशन ए, पेन के ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? एम ए। लेकिन पेन का वेट अगर एम ए से ज्यादा है तो मेरे हाथ पे बैठा रहेगा, ये हाथ के साथ आएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन में नीचे लाने की कोशिश किया तो एम ए एम जी से भी ज्यादा हो जाएगा, एम ए एम जी से ज्यादा हो जाएगा, तो पेन मेरे हाथ के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा क्या? नहीं, देखो मेरे हाथ से छूट रहा है कि नहीं। व्हेन आई एम मूविंग माई हैंड फास्टर यू कैन फाइंड द पेन लिव्स माई हैंड। क्या बता सकते हो कितना एक्सीलरेशन में लेने से ये पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा? बोलो, जब उसका एम ए एम जी से ज्यादा हो जाएगा। एम ए विल बी मोर देन एम जी, मतलब ए मस्ट बी मोर देन जी। यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट क्या दिया है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज इट नॉट मोर देन जी? हाँ, तो क्या ये ब्लॉक लिफ्ट के फ्लोर पे बैठा रहेगा? नहीं, ये तो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। yes, sir. तो मतलब कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो कैसे गिरेगा? हवा में गिरेगा। क्या एक्सीलरेशन होगा? जी, लिफ्ट का एक्सीलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन लिफ्ट के अंदर ब्लॉक गिर रहा है, क्या एक्सीलरेशन में? जी में, फ्री फॉल कर रहा हो, तो 0.5 सेकंड में कितना जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हियर ए इज मोर देन जी, देयरफॉर द ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम फ्लोर एंड फॉल्स फ्रीली, फ्रीली गिरने लगेगा, ब्लॉक जो है फ्रीली गिरने लगेगा। क्या मैं सबको समझा पाया? यस सर। यस, तो डिस्टेंस मूव्ड इन 0.5 सेकेंड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब ये लिफ्ट रेस्ट में था तो u तो जीरो गया, u इंटू 0.5 प्लस हाफ जी 0.5 का स्क्वायर, u तो जीरो है, स्टार्ट्स मूविंग है ना, इफ द लिफ्ट गोज डाउन, हाँ स्टार्ट मूविंग तो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लिया। क्या हो गया ये देखो, तो इट इज हाफ जी का वैल्यू 10 ले लो 5, ये हो गया 0.25, इट इज 1.25 मीटर। बढ़िया है, कितने लोगों का बन गया था, थोड़ा हाथ उठाए तो, इधर दो लोगों का बना था इधर। यस, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नो रूल्स। पुनिया पटेल। पुनिया पटेल, पुनिया पटेल का भी हो गया था, मस्त। जो लोग इसको सोच लिए उनका दिमाग शार्प है माना जाएगा। अब आगे चल के रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो कसूर उनका है, लेकिन दिमाग तो शार्प है। कुछ लोगों का दिमाग शार्प है उनको रिजल्ट पक्का मिलेगा, जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी स्टडी अगेन, स्टडीली ट्राई करते रहो, आगे ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। नहीं? Yes. हाँ बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन।
ये कोई क्वेश्चन है, दिया है देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है फिल्ड विथ वाटर, पानी भरा हुआ है, ट्यूब पानी भरा हुआ है, दोनों एंड क्लोज्ड है, मतलब ये पानी नहीं निकल सकता बाहर, उसके अंदर बबल बैठा है, ट्यूब को इधर खींचे फोर्स एफ में, इधर खींचे फोर्स टू एफ में, ट्यूब को खींच रहे एक तरफ एफ में एक तरफ टू एफ में, पूछ रहा है बबल किधर जाएगा, ए की तरफ की बी की तरफ, बड़ा अजीबो गरीब टाइप का क्वेश्चन है। पहले सोचते हैं हम ट्यूब को खींच रहे इधर 2F में, इधर इस एंड को F में, पूछा है कि बबल किधर जाएगा टुवर्ड्स एंड ए और एंड बी, बबल तो पानी में है, हम तो ट्यूब को खींच रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू टच द वाटर। अच्छा सोचो अगर इसको हम 2F में खींचेंगे और इसको F में खींचेंगे तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किधर को मूव करेगा भाई, ये इधर को मूव करेगा, उस समय एक्सीलरेशन ए, क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा है। अच्छा मैं चाहता हूं कि ऐसे मूव करते वक्त इसमें से पानी निकल जाए, मुझे एक छेदा करना है एंड में, कौन सा एंड में छेदा करूंगा तो पानी निकल जाएगा, बी में कि ए में, कहां पर एक होल करूंगा कि पानी निकल जाएगा बाहर, ए में छेदा करेंगे तो पानी पुश के इधर से निकल जाएगा, क्योंकि जब ये चलने लगेगा पानी के ऊपर भी तो स्यूडो फोर्स आएगा, तो ये फेंक के इधर नहीं आएगा, अगर सामने से होल करोगे तो पानी नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो अंदर की तरफ पुश हो रहा है, निकलेगा कैसे, आपको ये समझ में आ गया। एयर बबल मतलब अंदर क्या है, एयर है, और आप जानते हो कि एयर इज लाइटर देन वाटर, ऑल वाटर पार्टिकल्स एक्सपीरियंस ए फोर्स, और हम बताए थे इनर्शिया फोर्स इज ड्यू टू इनर्शिया एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली ड्यू टू मास, किसकी मास ज्यादा है, एयर का कि वाटर का, वाटर का मास ज्यादा है तो उनके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा, एयर का मास इतना कम है कि उसका स्यूडो फोर्स को हम फिलहाल तो इग्नोर कर सकते हैं, ये सारा पानी के जो पार्टिकल्स है वो इधर को पुश होंगे, तो कौन सा एंड में प्रेशर ज्यादा होगा, ए में कि बी में, प्रेशर एट ए विल बी मोर और प्रेशर एट बी विल बी लेस, और बबल किधर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, कोई वाटर टैंक में पानी बबल, वाटर टैंक में बबल नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, है ना, नीचे से ऊपर जाता है, मतलब वो हरदम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है, अब इधर प्रेशर ज्यादा हो गया इधर प्रेशर कम हो गया, बबल किधर को भागेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, क्या बात समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एज प्रेशर एट बी इज मोर देन प्रेशर एट ए बबल मूव्स, बबल मूव्स towards low pressure, pressure at B उल्टा लिख जाए, pressure at B ज्यादा नहीं है, pressure at B is less than PB is less than PA, क्यों, क्योंकि water particles इधर उसको press कर रहे हैं, moves towards low pressure, bubble moves towards low pressure, तो bubble किधर को move करेगा, towards A और B, बबल विल मूव टूवर्ड्स एंड बी, बी में प्रेशर कम है, क्या मेरी बात सबको समझ में आया, ये अगला क्वेश्चन नंबर 13, हियर इज ए पेंडुलम एंड ए गैस बैलून, हीलियम गैस बैलून, हाइड्रोजन गैस बैलून जो फ्लोट कर रहा है, ये किसी कार में बंधे हुए नहीं, कार चल रहा है कुछ वेलोसिटी भी में, बोला कार वाले ने ब्रेक लगाया, मतलब देयर वाज अ रिटार्डेशन, ब्रेक लगाया, इफ द कार अप्लाइज ब्रेक देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट, पेंडुलम आगे की तरफ जाएगा कि पीछे की तरफ, बैलून आगे की तरफ जाएगा कि पीछे की तरफ, ये आपको सोचना है और बताना है, पेंडुलम किधर जाएगा तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये अभी क्या कर रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या ये बात समझ में आया, एक्सीलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ, पेंडुलम तो हेवी मास है, उसके ऊपर स्यूडो फोर्स किधर को आएगा, आगे की तरफ, तो पेंडुलम किधर को टेढ़ा होगा, पीछे की तरफ कि आगे की तरफ, आगे की तरफ, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें पेंडुलम पीछे चला गया, है ना, और सोचना ये है कि गैस बैलून किधर जाएगा, नहीं, गैस बैलून में जो गैस है वो लाइटर है इसीलिए तो फ्लोट कर रहा है, एज कंपेयर टू एयर, इट्स एयर टाइट कार दिया गया है,
इसे एयर टाइट कार, ठीक है। अब ये कार में क्या हो रहा है, जैसे चलेगा जो एयर पार्टिकल्स है उनका भी कुछ मास है, लेकिन उनका डेंसिटी ये गैस से ज्यादा है, बोल के तो बैलून फ्लोट कर रहा है। बैलून इज फिल्ड विद लाइटर गैसेस, तो आपको हो गए एयर पार्टिकल के ऊपर भी फोर्सेस आएंगे, बैलून के ऊपर भी सीडो फोर्स आएगा, एयर पार्टिकल के ऊपर आएगा, लेकिन बैलून का मास काफी कम होने के कारण उसके ऊपर जो सीडो फोर्स आएगा बहुत कम आएगा, एयर के ऊपर ज्यादा आएगा, सारे एयर पार्टिकल्स इधर को दब जाएंगे। कौन सा एंड में प्रेशर ज्यादा होगा, ए में कि बी में? प्रेशर विल बी मोर एट ए। प्रेशर अगर ए में ज्यादा हुआ, बैलून किधर जाना पसंद करता है, हाई से लो प्रेशर और लो से हाई प्रेशर? हाई से लो प्रेशर। बैलून किधर को बेंड करेगा, सामने की तरफ। समझ में आया क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्सीलरेशन किधर था? ओ सॉरी सॉरी, मैं तो गड़बड़ कर दिया, एक्सीलरेशन इधर को था, सॉरी सॉरी, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ था, तो एयर पार्टिकल्स पीछे जाएंगे क्या, और ये उनके ऊपर सीडो फोर्स ऐसे कैसे आएगा? अरे मैं जो भी बोलता हूँ तुम लोग हाजी हाजी कर देते हो, गड़बड़ 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 गड़बड़। एयर पार्टिकल के ऊपर सीडो फोर्स किधर को आएगा, आगे की तरफ आएगा, है कि नहीं? क्योंकि एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, क्यों? क्योंकि इट इज ब्रेकिंग, ब्रेक करते वक्त रिटार्डेशन होता है, आगे की तरफ रिटार्डेशन मतलब पीछे की तरफ एक्सीलरेशन। सीडो फोर्स इधर को हुआ, अब ए में प्रेशर ज्यादा होगा कि बी में प्रेशर ज्यादा होगा? ए में प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं, ए में प्रेशर ज्यादा होगा, और बैलून किधर को बेंड करेगा, लो प्रेशर की तरफ मतलब टुवर्ड्स बी। तो कौन सा आंसर सही हो गए? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोचो कि इस बैलून के ऊपर मैं एक चॉकलेट को गम लगा के चिपका दिया, तभी बैलून फ्लोट कर रहा है, चॉकलेट चिपका दिया हूं। अब बताओ क्या होगा, अब जैसे ये ब्रेक लगाएगा चॉकलेट के ऊपर भी सीडो फोर्स आएगा, तो फिगर कैसे हो जाएगा, ऐसे बैलून भी आगे की तरफ, पेंडुलम भी आगे की तरफ, नहीं? यस। तो हम क्या देखें यहाँ पे, हम देखें कि ये कार जब ब्रेक लगाएगा गैस बैलून किधर को मुड़ेगा, पीछे की तरफ, नहीं, और पेंडुलम आगे की तरफ। समझ में आया? ये भी बहुत सारे एंट्रेंसेस में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, हियर इज ए 4 kg ब्लॉक एंड ए 4 kg मंकी, दोनों बराबर वेट के हैं, तो दोनों आराम से बैठे हुए हैं। पूछा है कि बताओ कि इफ द मंकी क्लाइम्स अप द रोप विथ एन एक्सीलरेशन 2 m/s², ये अगर 2 m/s² में चलेगा तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? बंदर चढ़ने लगा 2 m/s² में, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? अच्छा, बंदर जब चढ़ेगा यहां पर कुछ टेंशन बनेगा, और बंदर की फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो ये टेंशन टी है, बंदर का वेट 4g है, चढ़ रहा एक्सीलरेशन ए में, तो सीडो फोर्स 4a हुआ, तो आप कहोगे टी कितना हो गया बंदर के लिए, 4g प्लस 4a, और टेंशन तो इधर भी वही होगा। इसका क्या एक्सीलरेशन होगा मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है कि सपोज ये ऊपर की तरफ जाएगा, सर ये भी ऊपर जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा, अरे ए का वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो कहेंगे नीचे की तरफ जाएगा, सोचते हैं। अब देखो तो यहां पर भी टेंशन टी है और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन बी में, सपोज तो ये हो गया 4g और 4b, तो टी हो गया 4g प्लस 4b, यहां पर tg हो गया 4g प्लस 4a, दोनों तरफ टी बराबर है, मतलब ए और बी बराबर है। बंदर जितना जल्दी चढ़ेगा, जितना एक्सीलरेशन में चढ़ेगा ये ब्लॉक, उतनी एक्सीलरेशन में ऊपर की तरफ चढ़ेगा, the block will also move up with the same acceleration. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Is it understood? तो आंसर क्या हो गया? Block moves up, moves up with same acceleration में block ऊपर चढ़ने लगेगा जितना acceleration में बंदर चढ़ रहा है, दोनों का acceleration बराबर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? आया समझ में? चलिए मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता हूँ, आप बोल पाते हो क्या? सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक पुली है और यहाँ पर कोई एक बंदर है जिसका मास है 2 kg, और इधर कोई एक मिठाई का पैकेट है इसका भी मास है 2 kg,
और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर। क्वेश्चन क्या है? बंदर को मिठाई खाना है तो सब कुछ दोनों रेस्ट में थे, ये भी 2 केजी वो भी 2 केजी रेस्ट में था। बंदर अगर ऊपर की चढ़प चढ़ गया 2 मीटर, अच्छा बंदर अगर ऊपर की चढ़प चढ़ गया 1 मीटर, the monkey climbs by 1 मीटर, तो मंकी और पैकेट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? 4 मीटर ही होगा, क्योंकि ये जितना जोर से भागेगा उतने जोर से भागेगा। क्या ये बंदर इसके पास पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जितने जोर से भाग रहा है ये भी उतने जोर से भाग रहा है। चलो थोड़ा लड़कियों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बंदर नहीं है, अब ये बंदरी है। कौन है? बंदरिया है। अब बंदरिया को अपना फेस कभी अच्छा नहीं लगता, जिनको अपना फेस अच्छा नहीं लगता है वो मिरर के सामने काफी समय खड़े होकर सजाते है कि नहीं? लड़के तो खड़ा नहीं होते हैं मिरर के सामने। अब ये बंदरिया है, अब सामने कोई एक मिरर झूल रहा है, ठीक है, और बंदर को अपना इमेज अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेगा वो? चॉइस दे रहे हैं, चढ़ जाएगा, नीचे उतर जाएगा, रस्सी और भी है, नीचे उतर जाएगा या रस्सी को छोड़ देगा या नॉन ऑफ दिस? सर नीचे उतर जाएगा। वे नीचे उतरेगा, जितने में ये भी उतरेगा उतने में छोड़ देगा, तो ये गिरेगा जी में और ये भी गिरेगा जी में, सरदम सामने मरते दब तक अपना बंदरी वाला फेस देखते देखते मरेगा। हाँ तो क्या करेगा? उसको अपना फेस अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं, कुछ भी करेगा तो क्या वो अपनी इमेज से दूर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। हाँ, टू गेट रिड ऑफ इमेज एक चीज कर सकती है, वो आंख बंद कर देगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, हाँ ये भैया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गैस बलून्स अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, लिफ्ट इट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 3 m/s². 2 बैलून है, एक जैसा बैलून है, दिख रहा है फिगर में। इफ वन बैलून बर्स्ट व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक? दो बैलून है, ये दो बैलून मिलके किसी एक ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं, कैसे? क्योंकि उनके ऊपर अपथ्रस्ट आ रहा होगा। कितना अपथ्रस्ट है मालूम नहीं है, कुछ तो होगा एफ एफ, और ये दो बैलून मिलके इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं। ब्लॉक का मास कितना है? 4 kg, तो उसका वेट होगा 4g। ये ऊपर उठा रहे हैं, क्या एक्सीलरेशन में? 3 m/s² में। तो सीडो फोर्स की तरफ होगा, सीडो फोर्स नीचे की तरफ होगा, 4 × 3। नाउ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 गिव्स यू ऊपर की तरफ एफ, ऊपर की तरफ एफ 2f, ये जो अपथ्रस्ट है बॉन्ड फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 × 3 + 4g इज नॉट इट 52, मतलब एफ का वैल्यू है 26 न्यूटन। ठीक है, मतलब हर बैलून पे कितना फोर्स आ रहा है? 26 न्यूटन का। एक बैलून फट गया तो क्या होगा? ये हो गया ब्लॉक 4 kg का। अब एक बैलून बचा है, दूसरा फट चुका है, और उसमें फोर्स कितना आ रहा है? 26 न्यूटन। अब वेट ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा। क्या एक्सीलरेशन में? सपोज बी, तो नीचे की तरफ होगा 4g, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ बी है। क्यों नीचे हुआ? क्योंकि वेट ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो अगर बी में गिर रहा है तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा 4b। नाउ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है आपको? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 दे रहा है ऊपर वाले फोर्स, ये 4b है, 4b प्लस 26 इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स है 40 न्यूटन, तो बी कितना हो गया? 26 माइनस कर दो, ये हो गया 24 by 4 हो गया 6 m/s². किधर को? डाउनवर्ड। हाँ देखा, मैं यही देख रहा था तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 40 - 26 हो गया, 40 - 26 हो गया 14। नहीं, दो बैलून मिले तो ब्लॉक को ऊपर उठा रहे थे, क्या एक्सीलरेशन में?
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एक फट गया तो नीचे आने लगेगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्या बात समझ में आ रहा है सर? तो 26 कैसे आया? देखो भाई यहाँ पे बेलून के ऊपर दोनों के ऊपर फोर्स FF आ रहा था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम की तो ऊपर की तरफ क्या फोर्स है 2F, नीचे की तरफ क्या है 4×3 शैडो फोर्स प्लस वेट 52 हुआ। अगर 2F 52 हुआ तो F 26 कैसे हुआ, जानने के लिए 52 को 2 में डिवाइड करिए। हाँ आता होगा डिवीजन, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट बॉय, वेरी गुड। तो अगला है, ये बन गया अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, जस्ट ए मिनट। वो हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यस, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि देर आर 3 ब्लॉक्स 2 kg 3 kg 5 kg। इफ रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg and 3 kg, इन दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स है R1, रिएक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg and 5 kg इज R2, 3 और 5 के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या है R2, बताओ R1 - R2 क्या होगा? हाँ हमें आता है, एक्सीलरेशन निकाल देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, R1 निकल जाएगा और ये R2 निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा, हमें मालूम है कि नहीं? पहले हम निकाल देंगे एक्सीलरेशन, कन्वेंशनल मेथड एक्सीलरेशन, फिर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करो, रिएक्शन फोर्स R1 क्या आएगा निकाल दो, फिर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करो, रिएक्शन फोर्स निकाल दो, R1 R2 निकल जाएगा, R1 - R2 निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते हैं दूसरे तरीके से। सोचो कि ये जो 3 kg का ब्लॉक है, ये जो 3 kg का ब्लॉक है ये वाला, इस 3 kg के ब्लॉक के बारे में थोड़ा सोचो, इसके ऊपर 2 kg एक फोर्स लगा रहा है R1, जो कितना है मालूम नहीं है, पता कर सकते हैं लेकिन मालूम नहीं है, और 5 kg भी उसको पुश कर रहा है R2, पूछा है हमें R1 - R2, क्या बता सकते हो यहाँ पर व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम? एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना दिया गया है 20 N एंड व्हाट इज द मास 2 + 3 + 5 2 + 3 + 5 = 2 m/s². ये हो गया एक्सीलरेशन। अब कौन जा रहा है ये एक्सीलरेशन में, 2 kg की 3 kg की 5 kg की, तीनों तीनों जा रहे हैं। अच्छा तो 3 kg के फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ये इधर जा रहा है 2 m/s² में, और इसका वेट भी होगा, रिएक्शन फोर्स भी होगा, और स्यूडो फोर्स भी तो होगा 3×2 होगा कि नहीं होगा? है ना, अगर इधर से R1 फोर्स है, इधर से R2 फोर्स है, नेट फोर्स कितना हुआ R1 - R2, दैट R1 - R2 नेट फोर्स के चलते 3 kg के मास 2 m/s² में जा रहा है। कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है अगर 3 kg 2 m/s² में जा रहा है, तो m×a 3×2 = 6 N। तो यहां पर अगर वैसे भी हम करेंगे सिग्मा Fx = 0 तो मिलेगा इधर का फोर्स R1 है, जबकि इधर का फोर्स है R2 + 6, और R1 - R2 = 6 N। क्या बात सबको समझ में आया? अंडरस्टूड? ये बात है। तो इनर्शिया फोर्स का रिलेटेड में ढेर सारा क्वेश्चन आपको करवाया, आपको थोड़ा ये सब क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर लेना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और इसके ऊपर ढेर सारे अदर वैरायटी भी बनते हैं। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पुलीज, ठीक है? ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुली। ध्यान रहे कि आइडियल पुली किसको कहते हैं, पुली के बारे में दो चीज लिखेंगे, ए पुली इज सेड टू बी एन आइडियल पुली इफ इट इज स्मूथ और मासलेस। मैं इसलिए स्टेटमेंट को लिखा क्योंकि एक बार एंट्रेंस में आ चुका है पुली को स्मूथ, अब पुली को आइडियल पुली कब कहेंगे, और 90% जगह में मैं दिखाऊं वहां पे लिखा है कि इट इज स्मूथ एंड मासलेस। नो, आइदर स्मूथ रहेगा फ्रिक्शन नहीं रहेगा और मासलेस रहेगा तो हम इसको आइडियल पुली कहेंगे। समझ में आ रहा है?
क्यों ऐसे बात आ रहा है, जब रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर पुली का मास बहुत ही कम है, दोनों तरफ कुछ वेट वगैरह झूल रहे हैं, 50 kg 25 kg झूल रहे हैं, और पुली बना है लकड़ी का, मान लो कि उसका वजन है 50 ग्राम, तो हम कहेंगे ये आइडियल पुली है। या फिर पुली कितने भी मास का हो अगर स्मूथ है तो इसको हम आइडियल पुली कहेंगे। अगर स्मूथ पुली है, स्मूथ पुली है, ये पुली तो आप देखे होंगे, मान लो ये पुली है, इसके ऊपर से थ्रेड जा रहा है, इसे ब्लॉक्स झूल रहे हैं। अगर ये पुली स्मूथ होगा ना तो आप देखोगे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा और थ्रेड फिसलते रहेगा, पुली विल नॉट रोटेट, पुली विल नॉट रोटेट। समझ में आ रहा है? ठीक, तो फिलहाल आप इतना जानो कि कोई एक पुली को हम आइडियल पुली कब कहते हैं, वेरी स्मूथ और मासलेस, दोनों होना जरूरी नहीं है। एंट्रांस में जेई मेन में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया था, ए पुली सेड टू बी आइडियल पुली इफ इट इज, ऑप्शन ओनली इफ इट इज स्मूथ, ओनली इफ इट इज मासलेस, इफ इट इज स्मूथ एंड मासलेस, एंड स्मूथ और मासलेस, जेई मेन में आ चुका है। ठीक है, आइडियल पुली के केस में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि इन केस ऑफ आइडियल पुली In case of an ideal pulley, the tension in thread, is same on either side. दोनों तरफ टेंशन बराबर होगा। अगर ये कोई एक स्मूथ पुली है तो जब भी आपको कोई पुली वाली बात आएगा, आप आंख बंद करके आइडियल पुली मान लो, और यहाँ पर मान लो कि ये कोई ब्लॉक लगा है 2 kg का, ये कोई ब्लॉक लगा है 3 kg का, तो टेंशन किधर ज्यादा होगा? नहीं, टेंशन तो दोनों तरफ बराबर होगा। पुली के बारे में ये जानकारी, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए कंटिन्यूअस थ्रेड पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स, टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। Now we go to pulley related questions. Case 1. There are so many cases, 5 cases of pulley related questions. मैं आपको case 1 ही करवाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं आता है उन लोगों का। वैसे there are 5 different cases of varieties of questions. Case 1 में देखेंगे क्या इसका स्पेसिफिकेशन है कि acceleration of each block is same along thread. हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर है। जैसे जैसे ये कोई पुली लगा है, ये पुली लगा है, तो ये ऐसा है। अब देखो, अगर हम कहेंगे इसमें से कोई एक 5 kg का मास है, दिस इज व्हाट इज ए 5 kg मास, और दिस इज व्हाट इज ए 1 kg मास, ऑब्वियसली 5 kg नीचे जाएगा, 1 kg ऊपर जाएगा। जितनी समय में 5 kg 1 meter नीचे जाएगा, उतनी समय में 1 kg भी 1 meter ऊपर जाएगा, मतलब दोनों का स्पीड और एक्सीलरेशन बराबर है। तो ये आ गया इस कैटेगरी में, क्या देखे, एक्सीलरेशन ऑफ इच ब्लॉक इज सेम अलोंग द थ्रेड, क्या इसमें नहीं हो रहा? हो रहा। दूसरा केस लेते हैं, सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, और हुआ यूं है कि यहां पर कोई एक पुली लगा है, यहां से कोई थ्रेड आके यहां पे लगा है दूसरा ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये खींचा जाएगा, ये जितना जाएगा ये उतना ही जाएगा, मतलब ये भी इस कैटेगरी में ही आता है, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज सेम अलोंग द थ्रेड। या फिर मैं कहूं कि ऐसा कोई केस है, सपोज यहां पे कोई पुली लगा है, यहां पे कोई दूसरा ब्लॉक रखा है, अब ये ब्लॉक के ऊपर से कोई थ्रेड ऐसे आ रहा है, यहां पर कोई ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, अब क्या ये भी केस 1 में आएगा? हाँ आएगा, ये जितना जाएगा ये उतना ही जाएगा, बने हुए है कि नहीं? तो दीज आर ऑल कमिंग अंडर केस 1। क्या सारा केस 1 भी होता है? नहीं नहीं नहीं, दूसरा केस भी होता है, लेट मी गिव यू अनदर केस जहां पर ये दोनों का एक्सीलरेशन बराबर नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि सपोजिंग ये कोई एक केस है,
ये केस में देखिए, तो ये केस में अगर हम कहेंगे कि ये वाला ब्लॉक ऊपर गया एक मीटर, तो इधर का थ्रेड एक मीटर कम हो जाएगा, इधर का थ्रेड भी एक मीटर कम हो जाएगा, तो दो मीटर का थ्रेड कम हो गया, वो किधर जाएगा, इधर निकल आएगा, ये कितना जाएगा, दो मीटर। क्या दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है? नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी आवर केस वन। ऐसे करके देर आर फाइव केसेस, ठीक है। तो मैं आपको केस वन बता रहा हूं, ये मत सोचना कि हर केस में आपका सबका एक्सीलरेशन बराबर होगा। क्या बात समझ में आया? यस। तो ऐसा केस वाला प्रॉब्लम में हमें करना क्या होता है? पूरी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में करना ये होता है कि हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालो जो कि बराबर है, और थ्रेड में टेंशन निकालो। हमें क्या निकालना होता है? एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन थ्रेड, ये है हमारा टॉपिक। कोई भी केस लेते हैं, कोई भी केस लेते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं, है ना। चलो पहला केस लेते हैं, ये वाला केस। ये कोई एक ब्लॉक है और यहाँ पे लगा है कोई 2 kg का मास, और यहाँ पे लगा है कितना, ये है कोई 8 kg का मास। ऑब्वियस है कि 8 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। मुझे दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए और टेंशन इन द थ्रेड चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो आप देखोगे एक्सीलरेशन होगा 6 m/s2। आपको भी ऐसे ओरली बोलना आना चाहिए, कैसे निकालेंगे फटाफट, ठीक है। आई टेल यू टेक्निक्स, बट पहले हम लोग बुक वाले मेथड को फॉलो करेंगे क्योंकि वो फंडामेंटल मेथड है। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। ध्यान से देखो भैया, मैं एक्सीलरेशन निकालने वाला हूं दोनों ब्लॉक का, और थ्रेड का टेंशन निकालने वाला हूं, ठीक है। ये रेड ब्लॉक, जानते हैं कि अगर ये जाएगा ए एक्सीलरेशन में नीचे, थोड़ा ध्यान से देखना, ये ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन ए में। हमें ए पता करना है और टी पता करना है, दो अननोन है, तो कम से कम 2 इक्वेशन मिलेगा तो काम बन जाएगा। चलिए मैं त्रिभुज डायग्राम करता हूं 2 kg का। ध्यान से देखो, लिखो मत, बाद में आप लिख लोगे। त्रिभुज डायग्राम ऑफ 2 kg, 2 केजी का त्रिभुज डायग्राम देखेंगे तो कोई थ्रेड इसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ है, और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, तो शीडो फोर्स नीचे की तरफ है। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 हमें देगा टी इज इक्वल टू 2g+2a, और t-2a इज इक्वल टू 2g, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम द त्रिभुजी डायग्राम ऑफ 8 kg। हाँ, 8 kg का त्रिभुजी डायग्राम ऑफ 8 kg। थोड़ा ध्यान से देखो, ये 8 kg का मास है, इसके ऊपर टेंशन टी है, और अब ये नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, तो शीडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा 8a, और वेट होगा 8g। अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 क्या देगा आपको? देगा t+8a इज इक्वल टू 8g, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम t और a नहीं निकाल सकते? सॉल्विंग, आपको t और a का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करो तो आपको a मिलेगा 6 m/s² और t मिलेगा 32 N। सर इतना जल्दी कैसे कर लिए? हाँ, क्योंकि मैं कुछ दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, आप देख के तुरंत आंसर बताओगे इस मेथड में, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा स्मार्ट मेथड भी बताऊंगा आपको। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर नो? यस, समझ में आया, ठीक है।
सिमिलरली मैं आपको अभी एक दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं, आई विल गिव यू ए डिफरेंट क्वेश्चन, नाउ लेट अस और एक क्वेश्चन देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है और यहां से गया थ्रेड और इधर से झूल रहा है दूसरा ब्लॉक, ये दिया है 2 kg और ये दिया है सपोज 3 kg, पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। आप निकालोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा कितना, 4 m/s² और टेंशन कितना हो जाएगा, 12 N। हाँ, कैसे होता है हम बताएंगे। आप वैल्यू दे दो फटाफट फटाफट में बोलते जाऊंगा क्योंकि उसका अपना टेक्निक है करने का। पहले हम स्कूल वाला मेथड में कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल वाला मेथड में कर रहे हैं। तो पता चल गया कि अगर ये जाएगा एक्सीलरेशन ए में तो ये भी तो जाएगा एक्सीलरेशन ए में, दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होने वाला है, ठीक है भाई, दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होने वाला है। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम करके देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम किए तो 2 kg का वेट नीचे की तरफ है, नहीं, टेंशन ऊपर की तरफ है और स्यूडो फोर्स भी ऊपर की तरफ है। वैल्यू डाला जाए, ये टी है, ये 2A है, ये 2G है। 3 kg के वो इधर को है टेंशन और इधर को है स्यूडो फोर्स और इसके अलावा उसके ऊपर वेट और नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहे होंगे, बट वी आर लिस्ट बदर्ड अबाउट दैट, कुछ वेट आ रहा होगा और कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा होगा। क्या आपको मालूम है यहां पर टेंशन टी हुआ तो यहां पर भी तो टेंशन टी ही होगा, नहीं, तो ऊपर वाले से क्या मिल रहा है, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg क्या देगा आपको, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg देगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब टी इज इक्वल टू 3A, है कि नहीं। 3 kg ए में जा रहा है तो स्यूडो फोर्स उल्टा हुआ 3A, टी कितना हो गया 3A, और यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg क्या देगा आपको, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स टी प्लस 2A इज इक्वल टू कितना है 2G, है ना। सॉल्व करो, टी के जगह 3A डालो, 5A इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल 4 m/s² नहीं, और ये A अगर 4 हो गया तो T कितना हो गया 12 N। समझ में आ रहा है क्या, तो सॉल्विंग सॉल्व करें, A मिला 4 m/s² और T मिला 12 N। क्या आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन की आंसर निकाल सकते हो, शॉर्टकट टेक्निक तो बताएंगे हम अगले क्लास बताएंगे, आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मैं अभी आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है चेंजिंग द डाटा, यू डू इट कन्वेंशनल तरीके से करो फिर देखेंगे। ये कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है, ये कोई दूसरा ब्लॉक है और इसका मास है 3 kg, इसका मास है 7 kg, 1 kg सपोज। पूछा है फाइंड टेंशन इन द थ्रेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो। आई विल वेट, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम करना है और काम निकल जाएगा। ये एग्जांपल में हम 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे और वहां से उसका इक्वेशन निकाल देंगे, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे और उसमें से उसका इक्वेशन निकाल देंगे। बस जानकारी ये है कि ये जितने एक्सीलरेशन में नीचे जाएगा ये उतने ही एक्सीलरेशन में ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जितना दूर जाता है ये उतने ही दूर जाता है। दिस कमिंग आउट टू बी टाइप 1 केस 1 कैटेगरी। हाँ, तो ठीक है, 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने दिखाया वेट 1G और क्या, थ्रेड पुल कर रहा है विद सम टेंशन टी और क्या, ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स से 1A into 1, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मुझे दिया टी इज इक्वल टू जी प्लस ए, पहला इक्वेशन। अभी अगर मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं, हमें मालूम है कि इधर अगर टेंशन टी है,
for an ideal pulley, thread passing over smooth supports, the tension is same on either side. तो इधर भी टेंशन T ही होगा और हर एक थ्रेड पुल करता है, थ्रेड कभी किसी को पुश करता नहीं है। 3 kg का भी अपना वेट है 3G और ये नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन A में, मालूम नहीं कितने में लेकिन जा तो रहा है, तो ऊपर की तरफ होगा 3A। पहला वाला इक्वेशन हमें मिला था T-A=G, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। अब सिग्मा FY=0 हमें क्या देगा, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा T+3A=3G, ये क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करिए और आपको मिलेगा एक्सीलरेशन कितना 5 m/s² और टेंशन कितना 15 newton, टेंशन कितना 15 newton। सॉल्व करिए, क्या समझ में आ रहा है? यस सर, हो गया, देखा कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। एक्सीलरेशन हुआ 5 m/s², टेंशन हुआ 15 newton का, हो गया। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को और बदलते हैं और आप सोचने की कोशिश करना। डू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के देते हैं और आप पक्का कर लोगे। ये है कोई एक ब्लॉक जिसका मास है 2 kg और यहां पर लगा है दूसरा ब्लॉक, इसका भी मास है 2 kg और यहां पर लगा है और एक ब्लॉक, इसका भी मास है 2 kg। अब ये अभ्यास के नीचे जाएगा 4 kg और ये ऊपर जाएगा। आपको पूछा क्या है, पूछा ये है कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, फाइंड टेंशन एट ए, ए पॉइंट में क्या टेंशन होगा, ऐसा पूछा है। व्हाट विल बी टेंशन एट पॉइंट ए, ठीक है, सोचो तो क्या आप कर सकते हो। आप लोग करोगे इसे, हम बताएंगे आपको शॉर्टकट टेक्निक कैसे फटाफट करते हैं। डू इट, यू कैन डू इट। 30 newton, वाह, नहीं कुछ दूसरा होगा। सोचिए, सोचो कि ये 4 kg है, ये 2 kg है, अब आप कर सकते हो। सोचो, सब सोचने लगे, मुझे मालूम है आप लोग बाहुबली टाइप के हो, कर लोगे सब कुछ, सब कुछ कर लोगे। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ, अभी तक मैं आपको जो स्पेशल टेक्निक है उसका नहीं बताया, ये ट्रेडिशनल टेक्निक बुक वाला मेथड बताया हूँ, अपना मेथड में तो फटाफट बनता है और भी आसानी से बनता है, कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ बोलो, 10 newton इज नॉट द करेक्ट आंसर, 80/3 इज नॉट द करेक्ट आंसर। तुम लोग टेंशन यहाँ के निकाल दिए, मैं पूछा हूँ यहाँ का 80/3 होगा, ठीक है, यहाँ का कितना होगा टेंशन एट ए बिटवीन द ब्लॉक्स, क्या यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन बराबर होंगे? नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, तो आपको सोचना है। एनीवे आप लोग इस क्वेश्चन को सोचो, हो सके तो यूट्यूब चैनल पे इसका आंसर को दो, अगले क्लास हम लोग इसको लेके और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, क्या हो गया, कुछ लोग 50 newton 20
20, अरे भाई वो जो 2 kg का मास है ये अगर मूव नहीं करता तो टेंशन होता 20, अब ये नीचे मूव कर रहा है तब भी उसका वेट वही 20 रहेगा। मुझे लग रहा है सम स्टूडेंट्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, है ना, चाइना से आए हुए हैं कुछ लोग। अच्छा ये देखो, यहां पर कोई एक ब्लॉक लगा है, बनाने वाला आज की क्लास का हीरो बनेगा। यहां पर दूसरा ब्लॉक ऐसा है, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे यार, थोड़ा आप लोग अच्छा कर रहे हो तो मैं दे दिया, अच्छा नहीं करते तो नहीं देता है वाला क्वेश्चन, बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। अच्छा ये दिया है कि 3 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, ये 1 kg का मास है, पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ इच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का, क्या हर एक ब्लॉक का, हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर होगा? हाँ, ये 1 meter जाएगा तो ये भी 1 meter जाएगा, ये भी 1 meter जाएगा, सब बराबर डिस्टेंस जाएंगे तो बराबर होगा, कितना है वो? हाँ तो आंसर तो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा। व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ इच ब्लॉक? निकाल के देना है आंसर चैनल में, खाली एक्सीलरेशन बताओ, टेंशन छोड़, समझ में आया, कर सकते हो? ठीक है, करके आंसर भेजिए, सेंड योर आंसर्स इन द चैनल कमेंट में। काफी बच्चे देखते हैं और काफी बच्चे देखते हैं लेकिन वो पूरा नहीं देखते हैं, मुझे पूरा दिखता है कि कौन कितने समय देखा क्या किया। जब भी आपको आंसर रेफर करना है वीडियो देखो, मैं ये इंसिस्ट नहीं करूंगा कि यू शुड वॉच वीडियो, वीडियो को एक बार से ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, बहुत बुरी आदत है। आज से 5-6 साल पहले ये वीडियो करके कोई चीज़ था ही नहीं, क्लास में लोग उतार के लेते थे उसी को पढ़ते थे, तुम लोग थोड़ा वीक पड़ गए हो कोरोना काल में तो आप लोगों को ये वीडियो सपोर्ट दिया जा रहा है। मैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्लास में पढ़ाए, बच्चे कॉपी में लिखे, घर गए, अगले दिन आया तो बोर्ड साफ है, फिर से लिखे, फिर से पढ़े, फिर से गए, ऐसे करके बच्चे IIT मेडिकल निकाले। ये वीडियो सपोर्ट वाला चीज़ तो बहुत वीक सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट नहीं है। अगर वीडियो देख रहे हो इतना से देखो, ध्यान से देखो, नोट्स बना लो, बाद में अपनी नोट्स को पढ़ो, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद सर। 2 meter per second square, 2 meter per